हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टुडे बॉक्स ऑफिस। बात करने वाले हैं बिगल वर्सेस सरकार का 9 डेज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहेगा। तो बात करते हैं बजट का। बिगल का बजट है 180 करोड़ रुपीज़, सरकार का बजट है 130 करोड़ रुपीज़। दोनों मूवीज़ में ही थलापति विजय सर है लीड रोल में। दोनों मूवीज़ का ही कलेक्शन बहुत अच्छा है। दोनों मूवी ही ब्लॉकबस्टर मूवीज़ है। एक है 2018 का तो एक है 2019 का। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। तो 9 डेज में बिगल ने कमाया है 6 करोड़, जहां पर सरकार ने 9 डेज में कमाया था 3 करोड़। तो बिगल सरकार से डबल कमा रही है, और बिगल कलेक्शन भी बहुत अच्छा कर रही है। अभी तक जो बिगल का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो है 254 करोड़ रुपीज़, जो एक शानदार कलेक्शन है। और सरकार का लाइफ टाइम कलेक्शन था 268 करोड़ रुपीज़। बिगल कभी भी सरकार और मार्सेल का कलेक्शन जो है वो बीट कर नंबर 1 फिल्म बन जाएगी, और बिगल एक ब्लॉकबस्टर फिल्म भी होगी। आप लोगों को बता दूँ, बिगल को ब्लॉकबस्टर होने के लिए 300 करोड़ कमाने थे, और बिगल को हिट होने के लिए 260 करोड़ कमाने हैं, जो बिगल बहुत जल्द कमा लेगी, क्योंकि कल संडे है। और बिगल ब्लॉकबस्टर होने के लिए 300 करोड़ कमाने हैं, वो भी बिगल कमा कर ब्लॉकबस्टर भी बनेगा। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं बिगल या सरकार, ये दोनों मूवीज़ में कौन सा मूवी आप लोगों को ज़्यादा पसंद थी, कौन सा मूवी आप लोगों ने पहले देखा था। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ ही रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहेगा। धन्यवाद।